पढ़ेंगे आज हम लोग फ्यूल, ठीक है, फ्यूल से इसका नाम क्यों दिया गया, फ्यूल से फ्यूल मतलब समझते हैं, हैं? फ्यूल का मतलब क्या है, फ्यूल इसको बोलते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, ईथेन है ना, और प्रोपेन है, सही ना है, हाँ? इसके जमाने में ही नहीं यूज करते हैं, जैसे ये सीएनजी में यूज करते हैं, है ना, ये हम लोग के घर में यूज होता है, पता है ना, यही सब ना फील्ड है, तो कन्वेंशनल मेथड क्या है, फ्यूल सेल किस लिए बनाया गया, फ्यूल सेल किस लिए बनाया गया, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए बनाया गया है, तो कन्वेंशनल मेथड क्या है, कन्वेंशनल जिससे हम लोग हमेशा बिजली तैयार करते हैं, कन्वेंशनल मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो कन्वेंशनल मेथड में हम लोग क्या करते हैं, फ्यूल लेते हैं, फ्यूल का हम क्या कराते हैं, कंबसन कराते हैं, बर्निंग कराते हैं, ठीक है ना, फ्यूल सेल का क्या कराते हैं, कंबसन है ना, दैट इज बर्निंग, हां, तो ये जब कंबसन होता है, बर्निंग होता है, क्या प्रोड्यूस करता है, हीट है, ठीक है, हीट एनर्जी को हम लोग क्या करते हैं, बॉयलर से पास करते हैं, बॉयलर, बॉयलर का क्या काम है, पानी को बॉयल करना, बॉयलर में क्या रहता है, हाँ, पानी पड़ा रहता है, तो हीट एनर्जी से ये क्या होगा, वेपर प्रोड्यूस होगा, हाँ, हाई प्रेशर वेपर है ना, वेरी हाई प्रेशर वाटर वेपर बनेगा, क्या बनेगा, वाटर वेपर ही प्रोड्यूस होगा, और इसको हम पास करेंगे किससे, टरबाइन से, बढ़िया ना फिजिक्स में, इसको हम टरबाइन से पास कराएंगे, और टरबाइन क्या करेगा, घूमेगा, हाँ, टरबाइन, टरबाइन क्या होगा, स्पिनिंग होगा, टरबाइन क्या करेगा, स्पिन करेगा, हाँ, और ये जो स्पिन होगा इससे जनरेटर जुड़ा हुआ रहेगा, ये स्पिनिंग क्या होता है, जनरेटर से पास करता है ना, ये जो स्पिन है जनरेटर से पास करेगा, ये जनरेटर हमको क्या देगा, इलेक्ट्रिक, इतना स्टेप है ना, इस तरह का जो सेल है, जो पावर प्लांट रहता है, उसका 40% ही होता है एफिशिएंसी, यानी 100 रुपया खर्च करेंगे तो 40 रुपया का ही बिजली है ना, 60% बर्बाद हो गया, इतना प्रोसेस करते हैं, समझ गए ना, इसमें फ्यूल जो है इलेक्ट्रिसिटी में डायरेक्टली कन्वर्ट नहीं हुआ, इतना प्रोसेस के बाद हुआ, पहले हीट एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, फिर वेरी हाई प्रेशर में कन्वर्ट हुआ, फिर स्पिनिंग एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, है ना, टरबाइन क्या करता है, स्पिनिंग, ठीक है ना, है? और जब ये स्पिनिंग होता है तो जनरेटर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है, समझ पाया, इतना स्टेप के बाद, और वो भी 40%, समझ गए ना, तो इससे बचने के लिए फ्यूल सेल, ठीक है ना, तो फ्यूल सेल में क्या होता है, ये एक डिवाइस है, फ्यूल सेल इज द डिवाइस, ठीक है, व्हिच कन्वर्ट्स
केमिकल एनर्जी, ये जो फ्यूल है ये क्या है? केमिकल एनर्जी है ना, ये फ्यूल क्या है? फ्यूल इज व्हाट? इट इज केमिकल एनर्जी, हाँ केमिकल एनर्जी है ना, केमिकल एनर्जी ही ना कन्वर्ट हो गया, ये फ्यूल क्या है? केमिकल एनर्जी। और यही केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो, ठीक है? तो इतना प्रोसेस के बाद कन्वर्ट हुआ, लेकिन यह एक ही स्टेप में कन्वर्ट कर देगा फ्यूल, ठीक है? सो फ्यूल सेल क्या है? ये एक डिवाइस है विच कन्वर्ट्स केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी डायरेक्टली केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल, सबका नहीं, केमिकल एनर्जी ऑफ ए फ्यूल, फ्यूल का जो है ना केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है डायरेक्टली इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, उसमें इनडायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है? और इसमें डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है, इसका एफिशिएंसी जो होता है सेवेंटी परसेंट, 30% वेस्ट होगा इसमें, समझ गए? इसमें सिर्फ 30% वेस्ट होगा, 70% इसका एफिशिएंसी, बात समझ में? तो फ्यूल सेल जो है ये डिवाइस जो है, ये डिवाइस किस तरह का है? ये है गैल्वेनिक सेल, ये क्या है? गैल्वेनिक सेल, पढ़ा है ना गैल्वेनिक सेल? सो फ्यूल सेल इज द डिवाइस लाइक गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल जो शुरू में पढ़ा है ना, इसका एग्जांपल दिए थे लैक्रांचे से, गैल्वेनिक सेल का एग्जांपल दिए थे लैक्रांचे से, इज वन ऑफ द अनदर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल दैट इज गैल्वेनिक सेल, समझ में आया? तो फ्यूल सेल जो है डायरेक्टली कन्वर्ट करेगा फ्यूल के केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो 70% हमको मिलता है, 30% वेस्ट होता है, और जो कन्वेंशनल मेथड है उसमें हमको 40% ही मिल रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है? इसीलिए हम आजकल ये प्रीफर किया गया है जो स्पेस प्रोग्राम होता है वो सब में फ्यूल से ही यूज होता है, समझे? हाँ, तो फ्यूल सेल में बहुत कुछ है, एक तरफ ये सप्लाई किया जाता है और दूसरे तरफ ऑक्सीजन, इसमें भी तो ही हो रहा है ना, केमिकल एनर्जी को बर्न करने मतलब फ्यूल को हम ऑक्सीजन से कंबाइन कर रहे हैं तब ना इनकी एनर्जी जनरेट होता है, जब फ्यूल जो है ऑक्सीजन से कंबाइन करता है तभी ना हीट एनर्जी जनरेट होता है, यहाँ भी वही करेंगे सारे को हम करवाएंगे, लेकिन कोई पॉल्यूशन नहीं होगा, इसमें तो पॉल्यूशन होगा, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलेगा, अगर हम कोयला जलाए और ज़्यादा धुआं होगा, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड भी निकलेगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी निकलेगा और साथ में धूल निकलेगा, है ना, राख निकलेगा, वो अलग प्रॉब्लम है, है ना? तो ये जो कन्वेंशनल मेथड में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन और इसमें पॉल्यूशन है ही, फ्यूल सेल में पॉल्यूशन है ही, समझ गए? क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं बनता है जो कि पॉल्यूशन फ्री है ना, इसमें कोई भी पॉल्यूशन वाला एजेंट प्रोड्यूस होता ही नहीं है फ्यूल सेल, क्योंकि इसमें हाई क्वांटिटी ऑफ पॉल्यूटिंग मटेरियल, समझ में आ गया? हां क्लियर? ठीक है, अब जो है हम लोग पढ़ रहे हैं फ्यूल सेल, फ्यूल सेल बहुत तरह का होता है, फ्यूल सेल बहुत तरह का होता है, इसमें सबसे पॉपुलर है हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल फ्यूल सेल, ठीक है, उसी तरह कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन फ्यूल सेल, इसको हम लोग बैकॉन सेल भी बोलते हैं,
बेकॉन, बेकॉन नाम है साइंटिस्ट का जो इस सेल को बनाया, बेकॉन नाम है वो साइंटिस्ट का जो इस सेल को बनाया, इसलिए नाम पड़ गया बेकॉन से। वो हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल सबसे पॉपुलर है, सबसे एफिशिएंट है, ठीक है, इसीलिए ये सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, इसलिए हम इसी को पढ़ेंगे, ठीक है। बाकी क्या हो जाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड ऑक्सीजन फ्यूल सेल, मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, मीथेन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, प्रोपेन ऑक्सीजन, सब में ऑक्सीजन रहेगा, बिना ऑक्सीजन के, या मतलब यहाँ भी हमको कंबसन नहीं करना, लेकिन यहाँ पर कोई एनर्जी बर्बाद नहीं, ठीक है ना, आया बात समझ में। पॉल्यूशन वाला कोई भी मटेरियल ये प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन ऑक्सीजन फ्यूल सेल, ठीक है ना। और इस फ्यूल सेल का मेन एडवांटेज क्या है कि पूरी जिंदगी जब तक चाहे यूज कर सकते, क्योंकि हमको केमिकल को कैथोड और एनोड पर जमा करके नहीं, कैथोड और एनोड पर जैसे बाकी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में क्या करते हैं, कैथोड और एनोड में इलेक्ट्रोलाइट जमा करते हैं ना, कैथोड चैम्बर में एनोड चैम्बर में जमा करके नहीं रखते, हम इसको बाहर से सप्लाई करते रहेंगे, जब तक सप्लाई करते रहेंगे फ्यूल तब तक ये काम करते रहेगा, जैसे फ्यूल सप्लाई बंद करेंगे काम करना बंद कर देगा, जब तक हमको यूज करना है इस सेल को तब तक एनर्जी से तब तक जो है फ्यूल उसको सप्लाई करेंगे, और जब नहीं काम करना है तो फ्यूल सप्लाई बंद कर देंगे, बैटरी काम करना बंद कर देंगे, ठीक है, आया समझ में। तो फ्यूल सेल कैसे बनता है, ये एक कंटेनर है, ठीक है, यह एक कंटेनर इंसुलेटिंग मटेरियल का एक कंटेनर है, ये कंटेनर किस चीज का है, इंसुलेटेड मटेरियल का कंटेनर है, ठीक है, इंसुलेटेड मटेरियल का कंटेनर है, और यहाँ पर जो है ना ये कार्बन का इलेक्ट्रोड, ठीक है, कार्बन का इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये जो कार्बन का इलेक्ट्रोड है इधर भी रहेगा कार्बन का, ठीक है, भी रहेगा कार्बन का ही है, ये भी कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन, आई बात समझ में, हाँ, दोनों ये बंद रहेगा, यहाँ बंद रहेगा, ये कंटेनर है, इससे हम निकाल लेंगे कनेक्शन, इससे भी कनेक्शन निकाल लेंगे, ठीक है ना, इधर एनोड रखते हैं, लेफ्ट साइड में एनोड रखता है ना, एनोड क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है, ये नेगेटिवली चार्ज हुआ, ये एनोड हो गया, ठीक है, इससे तार जोड़ के निकाल लिए, हाँ, ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, कैथोड होगा, ठीक है, और इसमें जो है इधर से गैस आने के लिए जगह रहेगा बना हुआ, इधर से भी रहेगा, ठीक है, ये भी पैक रहेगा, यहाँ पर एक आउटलेट बना हुआ रहेगा, इधर से निकलेगा कुछ, इधर से जाएगा कुछ, इधर से भी जाएगा कुछ, समझ आ रहा है, ये हुआ इनलेट, भेजेंगे इधर से, इधर से भी इनलेट है, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, नेगेटिवली चार्ज होता है ना, हाँ, तो पॉजिटिव प्रेशर रहेगा, इसलिए यहाँ से हम ऑक्सीजन गैस को भेज रहे हैं, ऑक्सीजन गैस का सिलेंडर रहेगा, और इधर से हम हाइड्रोजन गैस को भेजेंगे, ठीक है, सही बात सुन रहे हैं, और ये जो बीच वाला चैम्बर है ना, ये बीच वाला चैम्बर, ये बीच वाला चैम्बर पूरा हल्का ऊपर खाली रहेगा,
है, इसमें रहेगा एन ए ओ एच या के ओ एच, ठीक है, क्या रहेगा, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड रहेगा या सोडियम हाइड्रोक्साइड रहेगा, दोनों में से कोई, ठीक है, क्या चीज का, एक्वस मतलब पानी में घुला, आई बात समझ में, क्लियर है। और ये जो इलेक्ट्रोड है ये पोरस है ना, पोरस समझते हो ना, इसमें बहुत सारा होल्स रहेगा, सीपेज होगा, जैसे घड़ा में पानी रखते हैं, पोरस होता है, उससे सीपेज होते रहते हैं, वैसे ही इधर से जो गैस आएगा इसे सीप करके इसमें आएगा, लेकिन इसके अंदर का लिक्विड इधर नहीं आएगा, ये गैस को चला जाएगा इससे क्रॉस करके, लेकिन इधर का जो लिक्विड है यहाँ जो एक्वस सॉल्यूशन हो इससे बाहर इस चैम्बर में गैस भरा हुआ रहेगा, इस चैम्बर में गैस भरा हुआ रहेगा, और जो गैस हम सप्लाई करेंगे उसका भी एक प्रेशर है, ठीक है, उसका एक क्या है, प्रेशर है, वो प्रेशर कितना होगा वो देखना पड़ेगा, 525 केल्विन 50 है, इधर तो इसमें प्रेशर होगा कितना होगा 58, यानी गैस इतना सप्लाई करेंगे कि 58 ही हम रहेगा प्रेशर, ठीक है, आई बात समझ में, और हमको टेम्परेचर भी मेंटेन करके रखना है इसका, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर होगा वो 525 केल्विन होगा, टेम्परेचर कितना होगा 525 केल्विन, टेम्परेचर होना चाहिए 525 केल्विन, प्रेशर होना चाहिए 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, मतलब गैस को हम इस तरह सप्लाई करेंगे कि चैम्बर में 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर का 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, इधर भी गैस इस तरह सप्लाई करेंगे यहाँ भी 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो जाए, ठीक है ना, 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर गैस को सप्लाई करेंगे, है ना, गैस सिलेंडर का प्रेशर एडजस्ट किया हुआ रहेगा, इसके अंदर इतना गैस सप्लाई करेगा कि 50 एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्रिएट हो जाएगा, आई बात समझ में, ये पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड है, ठीक है ना, आई बात समझ में, ये भी वही है पोरस कार्बन दोनों है, पोरस कार्बन इलेक्ट्रोड, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड बहुत मंदा होता है, ठीक है, इट इज इंप्रेग्नेटेड मतलब मिक्स किया हुआ है सिल्वर, ठीक है, गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम और कोबाल्ट ऑक्साइड, इसमें भी कोबाल्ट ऑक्साइड, इसलिए ये कॉस्टली हो जाता है, इसका जो बनाना बट होता है ना वो बहुत ही कॉस्टली होता है, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो होते हैं चीज़ कॉस्टली लगाया जाता है, समझ गया, अभी सस्ता नहीं हुआ इसलिए लोगों को मिल नहीं रहा है, कोबाल्ट ऑक्साइड, ठीक है ना, मतलब ये जब रॉड बनाएंगे हम कार्बन का, जो रॉड बनेगा कार्बन का, जो इलेक्ट्रोड बनेगा कार्बन का, बनाते समय इस ये सारे का पाउडर उसमें मिला हुआ रहेगा, ठीक है ना, जो ज़्यादातर तो कार्बन डॉट ग्रेफाइट का ही बनता है ना, पोरस मतलब क्या, सॉफ्ट ग्रेफाइट यूज करेंगे, सॉफ्ट ग्रेफाइट स्पॉन्जी ग्रेफाइट यूज करेंगे, और जब हम रॉड बंद करो और जब हम इसको बना रहे हैं, बनाते समय हम क्या करेंगे, मैं ये सारे चीज को एक साथ नहीं कर रहे हैं, इसमें से कोई एक ही चीज डालेंगे, जो अवेलेबिलिटी है सिल्वर अवेलेबल है सिल्वर डालेंगे, प्लेटिनम है तो ज़्यादातर हम लोग प्लेटिनम ही डालते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्लेटिनम का ही यूज करते हैं, इस चारों में से कोई एक कैटलिस्ट को डालते हैं, रॉड को बनाते हैं, क्यों ये सब को यूज करते हैं रॉड में, क्योंकि हमको मालूम है एडजॉर्प्शन पड़ा हुआ है,
एब्जॉर्प्शन एडजॉर्प्शन है तो इसके ऊपर गैस एब्जॉर्ब करता है, गैस गैस तो अस्थिर रहेगा नहीं है ना, रिएक्शन कैसे करेगा, गैस क्या होता है इस पर चिपक जाता है। क्यों चिपक जाता है, क्योंकि पूरे रॉड में ये सब मटेरियल मिला हुआ है और ये सब के ऊपर गैस का एडजॉर्प्शन होता है ना, पढ़ाते हैं ना डालडा बनाने के लिए निकेल का यूज करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस सप्लाई करते हैं, उसी तरह से यहाँ पर हम दे रहे हैं हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस, वो सब क्या करेगा इसके ऊपर चिपक जाएगा। क्यों चिपकेगा, क्योंकि इस रॉड में ये सब चीज मिला हुआ है, इसके ऊपर गैस का एडजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, इसके सरफेस के ऊपर गैस का एडजॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए ना। इसीलिए ये जो कैथोड और एनोड बना हुआ है कार्बन का, ठीक है, उसमें ये मिक्स किया हुआ है पूरे रॉड में, है ना, पूरे रॉड में जो है रिच क्वांटिटी में मिक्स किया, रिच क्वांटिटी मतलब अच्छे क्वांटिटी, समझ गया ना। तो क्या होता है, जब हम हाइड्रोजन गैस इधर सप्लाई करते हैं इस रायले रॉड पर चिपक जाता है, इधर भी ऑक्सीजन गैस सप्लाई करते हैं इस इलेक्ट्रोड के ऊपर चिपक जाता है, और फिर धीरे धीरे इसके कॉन्टेक्ट में, है ना, धीरे धीरे गैस इधर बढ़ेगा, ठीक है ना, ज़्यादा देर तक रहेगा कॉन्टैक्ट में तभी ना रिएक्शन होगा, फिर इधर से हाइड्रोजन आ जाता है और इधर से ऑक्सीजन आ जाता है, इसमें इधर से हम ऑक्सीजन यहाँ सप्लाई किए और फिर इससे ऑक्सीजन इसमें आ गया, ठीक है, और इधर से हाइड्रोजन इसमें आ गया। इस चैम्बर में क्या है, ऑक्सीजन है, इस चैम्बर में क्या है, हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन यहाँ आ जाता है और ये ऑक्सीजन यहाँ आ जाता है, दोनों के बीच में इस चैम्बर में रिएक्शन होता है। इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन कर रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, जैसे ही गैस सप्लाई करना शुरू करेंगे ये आयनाइज कर जाएगा, ये आयनाइज कर जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड, समझ गए, भाई बात समझ में क्लियर है। अब देखते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया या कोई प्रॉब्लम है इसमें, आ गया समझ में। अब हम लोग देखेंगे कि कैथोड पर क्या रिएक्शन होता है और एनोड पर क्या रिएक्शन होता है, ठीक है, तो एनोड का रिएक्शन लिखते हैं इधर, एड एनोड, ठीक है, एनोड पर क्या आ रहा है, हाइड्रोजन गैस आ रहा है, यही ना आ रहा है, हाँ, सबसे पहले क्या होगा कि यहाँ पर जैसे NaOH अगर यूज करेंगे तो ये टूटेगा Na प्लस और OH माइनस में, अगर KOH यूज करेंगे तो ये टूट जाएगा K प्लस और OH माइनस, ये सब कहाँ रहेगा, बीच में रहेगा ना, है ना, और ये जो बैटरी है इसमें प्रोडक्ट बनेगा वाटर वेपर, तो यहाँ से ठीक है क्या करेंगे, एक कंडेंसर लगा देंगे पीने के लिए पानी, उसमें प्रोडक्ट क्या बन रहा है, वाटर वेपर बन रहा है, हम इसमें यहाँ कंडेंसर लगा देंगे, पानी पी लेंगे, नहा लेंगे, कपड़ा साफ करेंगे, है ना, फिर उस पानी को से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग कर देंगे, फिर सप्लाई कर देंगे, तो वाटर को घुमाते रहते हैं, इसमें प्रोडक्ट क्या बना, वाटर, पॉल्यूशन वाटर से पॉल्यूशन होता है, वाटर को सब पॉल्यूट करता है, वाटर से कोई पॉल्यूशन नहीं होता, आई बात समझ में क्लियर, तो हम इसमें बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है, घंटी बच गया, टाइम ज़्यादा लगेगा, मन करो हमको क्लास में जाना है।